नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक भुवनेश्वर में कला कुंभ कलाकार कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आयोजन में ओडिशा ही नहीं बल्कि समूचे भारत की कला, संस्कृति और साहित्य की झलक देखने को मिल रही है। आजादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा कलाकार कार्यशाला का आयोजन किया गया है। पेंटिंग्स भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों के वीर जीवन और संघर्षों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इन पेंटिंग्स को गणतंत्र दिवस समारोह में इंडिया गेट पर प्रदर्शित करने की तैयारी है। इस आयोजन के जरिए देश के साहित्य और कला को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के पटल पर पेश किया जाएगा। कला कुंभ कार्यशाला का उद्देश्य भारत के विविध भौगोलिक जगहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वदेशी और समकालीन दृश्य कला प्रथाओं की हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को चित्रों के जरिए से प्रदर्शित करना है। इसमें भारतीय संविधान के रचनात्मक दृष्टांतों से भी प्रेरणा ली जाएगी। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक इसी तरह की कार्यशालाएं देश के अन्य हिस्सों में भी आयोजित की जाएंगी। ये ओडिशा के बाद बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, भारत के पूर्वोत्तर भागों और आंध्र प्रदेश की वीरता की कहानियों को कलात्मक अभिव्यक्तियों के साथ प्रदर्शित करेगा, जो कला के स्वदेशी रूपों को दर्शाती है। कलाकारों की इस कार्यशाला के लिए भुवनेश्वर में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाया गया है। स्क्रॉल पर चित्रित कलाकृतियां वीरता की कहानियों को दर्शा रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।